يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله رب العرش الكريم. अभी आप कारी रेहान गालिब से सूरह बनी इसराइल आयात 4-10 की किरत सुन रहे थे। तर्जुमा यूं है, फिर हमने अपनी किताब में बनी इसराइल को इस बात पर भी मुतनब्बा कर दिया था कि तुम दो मरतबा जमीन में फसाद अजीम बरपाओगे और बड़ी सरकशी दिखाओगे। आखिरकार जब उनमें से पहली सरकशी का मौका पेश आया तो ऐ बनी इसराइल, हमने तुम्हारे मुकाबले पर अपने ऐसे बंदे उठाए जो नहायत जोरावर थे और वो तुम्हारे मुल्क में घुसकर हर तरफ फैल गए।
यह एक वादा था जिसे पूरा होकर ही रहना था। इसके बाद हमने तुम्हें उन पर गलबे का मौका दिया और तुम्हें माल और औलाद से मदद दी और तुम्हारी तादाद पहले से बढ़ा दी। देखो, तुमने भलाई की तो वो तुम्हारे अपने लिए ही भलाई थी और बुराई की तो वो तुम्हारी अपनी जात के लिए बुराई साबित हुई। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने दूसरे दुश्मनों को तुम पर मुसल्लत किया ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और मस्जिद बैतुल मुकद्दस में उसी तरह घुस जाएं जिस तरह पहले दुश्मन घुसे थे और जिस चीज पर उनका हाथ पड़े उसे तबाह करके रख दें। हो सकता है कि अब तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, लेकिन अगर तुमने फिर अपनी साबिक रविश का इआदा किया तो हम भी फिर अपनी सजा का इआदा करेंगे। और काफिर नेमत लोगों के लिए हमने जहन्नम को कैद खाना बना रखा है। हकीकत यह है कि कुरान वो राह दिखाता है जो बिल्कुल सीधी है। जो लोग उसे मानकर भले काम करने लगे उन्हें यह बशारत देता है कि उनके लिए बड़ा अज्र है, और जो लोग आखिरत को न माने उन्हें यह खबर देता है कि उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब मुहैया कर रखा है। सूरह बनी इसराइल की इन आयात के तर्जुमे के बाद आज के मौजू पर हम डॉक्टर साहब से एक बार फिर इंशाल्लाह ईमान अफरोज तकरीर सुनेंगे। आपकी तकरीर का उनवान है उम्मत मुस्लिमा का माजी, हाल और मुस्तकबिल। ख्वातीनो हजरात, मैं बड़े ही अदब के साथ डॉक्टर इसरार अहमद से गुजारिश करता हूं कि वो आज इस बहुत ही अहम मौजू पर अपने ख्यालात से हमें नवाजें। डॉक्टर इसरार अहमद बउनवान उम्मत मुस्लिमा का माजी, हाल और मुस्तकबिल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل اور سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله